सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आज की वीडियो होगी हमारी बीपीसीसी 113 की यूनिट 10, मानवतावादी और अस्तित्ववादी चिकित्सा के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं हमने मानवतावादी और अस्तित्ववादी चिकित्सा। तो देखो, बहुत अच्छी यहाँ लाइन लिखी हुई है, एक तो तुम्हें बताते हैं। मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण को अक्सर तीसरी शक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों? ठीक है मैम, तो एक लड़का जो स्टूडेंट रहता है वो पूछता है, मैम मुझे इतना यकीन नहीं है, अब तक हमने जो सीखा है वह मनोविश्लेषण के विषय में है और निश्चित रूप से हमें संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, तो फिर प्रोफेसर मैम जो है डॉक्टर महिमा वो कहती है, कपिल आपने जो कहा उनमें कुछ हद तक मेरे सवाल का जवाब है। मनोविश्लेषण को अक्सर पहला बल माना जाता है जो मुख्य रूप से पिछले अनुभवों और चेतन आदि पर केंद्रित होता है। दूसरी शक्ति है व्यवहारवाद जो बाहरी उत्प्रेरक और प्रतिक्रिया सुदृष्टिकरण आदि पर केंद्रित होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण का ध्यान वर्तमान पर होता है, पिछले अनुभव पर नहीं, और व्यक्ति को अपनी क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा के रूप में भी देखा जाता है और वो अपनी समस्याओं और मुद्दों को हल करने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मानवतावादी चिकित्सा। मानवतावादी चिकित्सा को अक्सर तीसरी शक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह मनोविश्लेषण और व्यवहारिक दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण पिछले अनुभवों या बचपन के अनुभव पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, यह प्रेजेंट टाइम वर्तमान में यह बाहरी उत्तेजनाओं और सुदृष्टिकरण पर भी ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि यह दृष्टिकोण का मुख्य केंद्र सकारात्मक पहलू पर है। यह मानता है कि प्रत्येक मनुष्य में पूरी तरह से कार्य करने की क्षमता है और इस प्रकार वो अपनी समस्या और मुद्दों को कम करने और हल करने की बेहतर स्थिति में है। अतीत की बजाय वर्तमान में समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। मतलब कि ये बात है कि सब इंसान, जैसे वो एक थ्योरी है कि सब इंसान में भगवान है और हर काम इंसान ही किया, चांद पे भी इंसान गया, इंसान ने शेर पे भी काबू पाया, इंसान ने बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल की। इसी तरीके से आप किसी को इस बात पे मोटिवेशन कर सकते हो कि यार इंसान ने बहुत कुछ किया, आप अपनी वर्तमान समस्या से इजीली लड़ सकते हो, आप पुरानी बातों को ध्यान में अगर ना रखो, पुरानी चीज़ों को ध्यान में ना दो, तो भी आप अपनी आप वर्तमान की पोजीशन को आप इजीली हैंडल कर सकते हो जो कि आप में वो बल है। तो बुगेटेल द्वारा मानवतावादी मनोविज्ञान के 5 मौलिक सिद्धांत को इस प्रकार वर्णित किया गया। मनुष्य के रूप में अपने भागों के योग का स्थान लेता है, उन्हें घटकों में कम नहीं किया जा सकता। मानव का अस्तित्व तो एक विशिष्ट मानवीय संदर्भ के साथ साथ एक ब्रह्मांडीय उपस्थिति भी है। ठीक है, मनुष्य जागरूक होने के प्रति जागरूक और जागरूक है, अर्थात वे सचेत है। मानव चेतना में हमारा अन्य लोगों के संदर्भ में स्वयं के विषय में जागरूकता सम्मिलित होती है। मनुष्य के पास कुछ विकल्प और उनके साथ साथ जिम्मेदारी भी होते हैं। मनुष्य सजग है, जानबूझकर लक्ष्य को लक्षित करते हैं, जानते हैं कि वह भविष्य की घटनाओं का कारण बनते हैं और अर्थ मूल और रचनात्मकता की तलाश करते हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण की मान्यताएं। मानवतावादी दृष्टिकोण कुछ मुख्य मान्यताएं। प्रत्येक व्यक्ति का मूल और समान होता है, प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य और समान होता है। हर जगह हर व्यक्ति का एक मूल्य होता है, हर व्यक्ति हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ हर व्यक्ति का एक मूल्य होता है और वो सम्मानजनक होता है। जीवन जीने के तरीके में व्यक्ति परिपक्वता होनी चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर एक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं जो प्रकृति में निहित है कि हम किस लायक हैं, हम किस योग्य हैं, हम कितना कैपेबल है। हर लोग ये सोचता है कि हमारा कितना अच्छा अस्तित्व है इस जीवन में, इस दुनिया में।
व्यक्ति मूल रूप से तर्कसंगत होते हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है। चिकित्सक प्रक्रिया को ध्यान रखा, ध्यान क्या है, ध्यान शक्या यहाँ और अभीष कुछ गड़बड़ लिखा है यहाँ। चिकित्सा प्रक्रिया का ध्यान यहाँ और अभीष पर होना चाहिए और यहाँ और अभी पर होना चाहिए और चिकित्सक और सेवार्थी के बीच संबंध हो के संदर्भ में प्राथमिक मानव सामना का महत्व दिया जाना चाहिए। मानव अनुभव और वैज्ञानिक तरीके से समायोजित करने की आवश्यक है। यद्यपि मानवतावादी दृष्टिकोण के तहत चिकित्सकों पर चर्चा की जाती है, जिसे व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा और गेस्टाल्ट चिकित्सा मानवतावादी दृष्टिकोण के मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित किया गया है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव को समझना, ये सब कहानी है गेस्टाल्ट चिकित्सा में। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, कार्ल रोजर्स व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के संस्थापक है। इसे गैर निर्देशक परामर्श और सेवार्थी केंद्रित परामर्श के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस चिकित्सा का उपयोग किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है जहाँ एक सहायक और सहायक का उद्देश्य मानव मनोवैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना है। रोजर्स के काम को वर्तमान परामर्श और मानसिक चिकित्सा का आकार देने के लिए प्रमुख शक्तियों में से एक माना जाता है। रोजर्स ने व्यक्ति केंद्रीय चिकित्सा में मनुष्य की यथासंभव प्रभावी ढंग से जीने के लिए नैतिक और पूरी तरह से कार्य करने की इच्छा के रूप में देखा जाता है। रोजर्स के अनुसार यदि लोगों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने की अनुमति दी जाती है तो वह विकसित सकारात्मक और सफल व्यक्ति बनेंगे। और हर जगह बांधा ना जाए, हर नियम कानून से ना लिखा जाए और ये बोला जाए कि ये प्राप्त करके दो तो वो ऑटोमेटिक विकसित सकारात्मक और सफल व्यक्ति बन के दिखाएंगे। क्योंकि रोजर्स का सिद्धांत मानव स्वभाव में विश्वास व्यक्त करता है, इसे परामर्श के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण माना जाता है। रोजर्स व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा व्यक्तित्व के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे आत्म सिद्धांत कहा जाता है। एक व्यक्ति का स्वयं के दृष्टिकोण पर्यावरण के संदर्भ में उनके कार्यों और व्यक्तिगत संतुष्टि को प्रभावित करता है। मतलब मुख्य रूप से इसका काम, इसका दृष्टिकोण था आत्म सिद्धांत पर केंद्रित था। इस प्रकार व्यक्ति केंद्रित चिकित्सक की लोगों के विषय में धारणा चार प्रमुख मान्यताओं पर आधारित है। लोग भरोसेमंद होते हैं, ठीक है, लोग सहज रूप से आत्म साक्षात्कार और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं अपने आप को बेहतर करने में, अपना स्वास्थ्य को देखते हुए। लोगों के पास खुद को सकारात्मक दिशा में स्थानांतरित करने के लिए आंतरिक संसाधन और निर्देश होता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग में रहे कि हाँ कुछ तो होगा जो अच्छा ही अच्छा होगा, हमारा बस कर्म करना है। लोग अपनी कथित दुनिया के प्रति विशिष्ट रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा का लक्ष्य एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना है जहाँ व्यक्ति स्वयं आवश्यकता सकारात्मक तत्वों के निकट संपर्क में आते हैं और छिपी हुई विकृति हो गई है, जो छिपी या विकृत हो गई है कम विकृत और अधिक अनुरूपता अधिक विश्वास की ओर ले जाती है कि लोगों और स्थितियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए उन पर भरोसा किया जा सकता है। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के दो प्राथमिक लक्ष्य आत्मसम्मान में वृद्धि और नए अनुभव के लिए खुलापन। रोजर्स का मानना था कि लोग भरोसेमंद होते हैं और उनमें खुद को समझने और अपनी समस्याओं को हल करने की विशाल क्षमता होती है। रोजर्स के अनुसार यदि उपरोक्त तीन दृष्टिकोण की सहायता द्वारा संप्रेषित किया जाता है तो जिन लोगों की सहायता की जा रही है उनमें से रक्षात्मकता की कमी और अपने और अपनी दुनिया के लिए अधिक खुलापन होगा। ठीक है जी, तो व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के समान लक्ष्य क्या है? अनुभव के लिए अधिक खुलापन, आत्मविश्वास प्राप्त करना,
मूल्यांकन का एक आंतरिक स्त्रोत विकसित करना कि हम कितने मूल्यवान है और कहाँ से कहाँ पहुँचे। ठीक है, आत्मविश्वास भरा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो अच्छा करेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। अनुभव के लिए और अधिक खुलापन, थोड़ा सा और रूल्स थोड़ा सा कम किया जाए और बढ़ने के लिए थोड़ी और ताकत किया जाए। लगातार बढ़ने के लिए तैयार रहना और एक व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त करने में सहायता करना। चिकित्सीय प्रक्रिया, रोजर्स के अनुसार चिकित्सक को एक ऐसी स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता होती है जो स्वयं की खोज की अनुमति दे, मतलब जहां वो समझ पाए कि वो क्या है, कैसे कर रहा है, कैसी समस्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है, उसको बांधे ना, और व्यक्तिगत विकास की और सेवार्थी की प्राकृतिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें। रोजर्स द्वारा वर्णित मुख्य स्थितियों सहानुभूति बिना शर्त सकारात्मक संबंध और अनुरूपता या वास्तविकता है जिसे चिकित्सीय व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए आवश्यक और पर्याप्त माना जाता है। व्यक्ति के अंदर चिकित्सा परामर्श पद्धति से अधिक न सही परंतु उस जैसा ही संदर्भ का एक ढांचा प्रदान करती है। कार्ल रोजर्स के मूल परिप्रेक्ष्य में सेवार्थी प्रत्येक को आत्म साक्षात्कार के प्रयास में लगातार संलग्न होते देखा जा सकता है कि हम कैसे हैं। आत्म साक्षात्कार अपने से अपने द्वारा पूछना होता है। हो मूल स्थितियों में मूल काफी विस्तार किया गया। ठीक है, बाकी कहानी आप पढ़ सकते हो, इनमें कुछ कहानी नहीं है। तो उसमें कुछ कुछ प्रासंगिक मूल स्थितियां हैं जिस जैसे कि सहानुभूति सामने वाले को देना कि हाँ आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप अपनी समस्याओं से लड़ सकते हो, आप एक बार सोचो, उस पर विचार करो, अपना आत्मबल बढ़ाओ। बिना सर सकारात्मक संबंध उसको उसकी निगेटिव पॉइंट्स और निगेटिव व्यूज दिखाने के बजाय उसके बिना सर सकारात्मक संबंध दिखाओ कि हाँ ये चीज़ आप में है, वो चीज़ है, आप बढ़ सकते हो। अपने उसके सकारात्मक पॉइंट्स उसको दिखाओ, प्रामाणिकता और अनुरूपता, हाँ देखो आपने ऐसे की चीज़ की थी, आपने वैसे चीज़ की थी तो है अनुरूपता, आप ये काम कर सकते हो, आप ईमानदार हो, ये हो वो हो। सर्वांग समता का अर्थ चिकित्सक प्रमाणिक और वास्तविक है। हाँ जो बता रहा है वो सही है, चिकित्सक का एक अलग व्यवसाय पहलू पेश नहीं करता बल्कि सेवार्थी के लिए मौजूदा और पारदर्शी है। मतलब जो आप कर रहे हो बेहतरीन है और जो आपने किया वो आपको इस समस्या को भी हल करने में मदद करेगा, आप वो कर सकते हो। मतलब उसको मोटिवेट करना, पारदर्शिता का अर्थ है कि जो कर रहे हो आप सही तरीके से करो, नकारात्मक पहलू छुपाओ। पारदर्शिता का अर्थ है किसी सेवार्थी के विषय में नकारात्मक भावनाएं यदि कोई हो व्यक्त की जाती है, अच्छा कि आप में ये बात बुरी है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बात सब में होती है। चिकित्सक सेवार्थी के लिए गैर आधिकारिक प्यार की भावना दिखाता है और एक समय के बाद पर्याप्त रूप से सेवार्थी को समझने के लिए व्यक्ति के जूते पहनकर चलने में सक्षम होता है। श्री दृढ़ता, अगले साथ श्री दृढ़ता परामर्शदाता और कौशल विशिष्ट घटनाओं, विचारों और भावनाओं पर सेवार्थी की चर्चा पर केंद्रित करने में जो मायने रखती है, साथ ही बौद्धिक कथा कथन और हस्तोत्साहित करती है। स्वयं प्रकटीकरण, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा किस हद तक व्यक्ति केंद्रित संबंधों में खुद को व्यक्त करने में प्रकट करते हैं यह विवादास्पद है। कैसी स्वयं प्रकटीकरण होता है चिकित्सीय संबंध, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा में अभ्यास में मानव प्रकृति और अंतर्निहित सदर्शन तकनीकों के किसी विशेष विन्यास या ज्ञान के किसी भी निकाय की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इस चिकित्सा में सहायक परामर्श विधि से ज़्यादा यह सीखते हैं कि चिकित्सा कैसे किया जाए,
क्योंकि शिक्षार्थी को अपनी स्वयं की समस्याओं को हल करने की क्षमता के रूप में देखा जाता है। चिकित्सक को ज्ञान विशेषज्ञ के रूप में नहीं माना जाता है। चिकित्सक को ज्ञान विशेषज्ञ मतलब कोई स्कॉलर नहीं है जो बता रहा है कि वो एकदम सब सही हो, जिसे शिक्षार्थी के साथ साझा किया जा सके। मतलब उसके पास कोई ऐसा संबंध मतलब ऐसा चीज़ नहीं हो कि वो हर फील्ड का ज्ञाता बने चिकित्सक और उसको हर प्रॉब्लम पे उसे एकदम फिलॉसफी की तरह झाड़ना स्टार्ट कर दे कि ये चीज़ ऐसी हो सकती थी, वो ऐसे हो सकती थी और आप इसको ऐसे बेटर कर सकती हो। नहीं, उसको आत्म केंद्रित, उसको आत्म ध्यान लगाओ कि वो आत्म साक्षात्कार पर कर पाए, उसके उसकी मोटिवेट करो, उसको काम के लिए प्रेरित करो, ना कि उसको काम का रास्ता बताओ, ना ही काम के लिए सुझाओ उसका समस्या या प्रॉब्लम को। चिकित्सक और शिक्षार्थी के बीच चिकित्सीय संबंध के विकास के लिए आवश्यक परामर्श कौशल, सक्रिय श्रवण, लगातार सुनते रहना, भावनाओं और सामग्री के प्रतिबिंब के माध्यम से शिक्षार्थी को जवाब देना, है ना, संकेत, भावनाओं और सामग्री के प्रतिबिंब मतलब उसकी छाया प्रति, मतलब जब वो उदास हो रहा है तो उसकी बातों में तुम्हारे में भी उदासी होनी चाहिए, तुम्हारा वो खुश हो रहा है तो तुम्हें भी उस चीज़ों को खुशी में फ्लो लेते हुए चीज़ों को शिक्षार्थी को जवाब देते रहना। सांकेतिक और संक्षेप व्याख्यान अच्छे से समझाओ जिस तरीके से वो बेटर से बेटर समझ पाए। संक्षिप्त व्याख्यान करो। मुक्त प्रश्न पूछना, जहाँ कोई एंड ना हो किसी आंसर का, कोई ऐसे सवाल भी होते हैं। हाँ, क्लाइंट को मौन और गैर मौखिक संचार के लिए उचित प्रतिक्रिया देना। जहाँ चर्चा के दौरान शिक्षार्थी अग्रसर और परिणामों के लिए जिम्मेदार होता है, वहाँ अधिकांशतः मौन स्वीकृति, पूर्ण कथन, सहानुभूति और तत्काल प्रतिक्रिया होती है। चिकित्सीय तकनीक, तो कुछ चिकित्सीय तकनीक व्यक्ति के अंदर चिकित्सा का कुछ विशिष्ट घटक होते हैं और ये नीचे दिए गए हैं। चिकित्सक का रवैया मात्र भी परिवर्तन के लिए आवश्यक और पर्याप्त हो सकता है। चिकित्सक को तुरंत उपस्थित होना चाहिए और शिक्षार्थी के लिए सुलभ होना चाहिए। रोगी की परिस्थितियाँ और घटनाओं का पर गहन निरंतर ध्यान होना चाहिए। शिक्षार्थी की वर्तमान पल की पूरी तरह से जीने की क्षमता द्वारा चिन्हित प्रक्रिया, व्यक्तित्व परिवर्तन पर ध्यान दें, व्यक्तित्व की संरचना पर नहीं। ठीक है, चिकित्सक पहले संपर्क से शुरू होता है। पहले साक्षात्कार में व्यक्ति केंद्रित चिकित्सक वहाँ जाएगा जहाँ शिक्षार्थी जाता है। कार्ल रोजर्स के लिए सहानुभूति बिना शर्त, सकारात्मक संबंध और एकरूपता। चिकित्सक का दृष्टिकोण और तकनीक के बजाय शिक्षार्थी का आंतरिक संसाधनों में विश्वास, शिक्षार्थी में व्यक्तिगत परिवर्तन में सुविधा प्रदान करता है। स्वयं का परिवर्तन के साधन के रूप में उपयोग बी है चिकित्सीय संबंध की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है। सी है वास्तविकता की ओर संघर्ष कर रहे इंसान के लिए प्रतिरूप के रूप में अधिक कार्य करता है। डी है वास्तविक, एकीकृत और प्रमाणिक है। यह है शिक्षार्थी के साथ संबंधों में मौजूद भावनाओं और दृष्टिकोण को खुले तौर पर व्यक्त करता है। कार्य सक्रिय श्रवण, सक्रिय श्रवण प्रक्रिया सामग्री और भावनाओं पर प्रतिबिंब, उपयुक्त स्वप्रकटीकरण, जैसा तो अभी हम बात किया है, तत्कालिकता, तुरंत तुरंत काम करो, ऐसा नहीं तुम सो गए या तुम गायब हो गए, तत्काल होना चाहिए चीज़ें। गेस्टाल्ट चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा का विकास का श्रेय फ्रिट्स पल्स को दिया जाता है और इस चिकित्सा को मानवतावादी दृष्टिकोण के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है संपूर्ण, और गेस्टाल्ट सिद्धांत जिस मुख्य विचार पर आधारित है वह यहाँ की वह यह है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा है, संपूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा है। इस प्रकार मन और शरीर को गेस्टाल्ट चिकित्सा में अलग अलग संस्थाओं के रूप में नहीं देखा जाता और चिकित्सा का
ध्यान व्यक्ति के शारीरिक, धातु और भावनात्मक पहलू पर जोर देता है। व्यक्तित्व के सिद्धांत के संदर्भ में गेस्टाल्ट चिकित्सा के मूल विषय गेस्टाल्ट में सम्मिलित है। जैसे कि पहले उल्लेख किया गया कि गेस्टाल्ट सिद्धांत के प्रमुख विषयों में से एक यह है कि संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है, संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक है और मनुष्य को संपूर्ण और एकीकृत जीवों के रूप में कार्य करता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा की प्रमुख धारणाएं, आइए गेस्टाल्ट चिकित्सा की कुछ प्रमुख धारणाओं पर विशेष विषय में चर्चा करें। न्यूरोसिस की परतें, हालांकि गेस्टाल्ट चिकित्सा न्यूरोसिस के सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित नहीं करती, फिट्स पल्स ने न्यूरोसिस के परतों का सुझाव दिया जिनमें से कुछ परतें सम्मिलित हैं। इनमें फोबिक गतिरोध, इम्पोल्सिव और एक्सपोल्सिव सम्मिलित है। पहली परत नकली है और इसे कृत्रिम परत भी कहा जा सकता है, मतलब जिसे बनाया गया हो। विस्फोट की प्रारंभिकता, संपर्क सीमाएं, गेस्टाल्ट संपर्क सीमाओं पर भी चर्चा की जा सकती है जिसका हमने पहले संक्षेप में उल्लेख किया है। संपर्क सीमा इस संदर्भ में है कि एक व्यक्ति अपने व्यक्तियों और वस्तुओं को कैसे जुड़ता और अलग होता है। संपर्क मतलब सीमाएं व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। शारीरिक सीमाएं, मूल सीमाएं, परिचित सीमाएं, अभियंजन सीमाएं, अंतर्मुखता, प्रक्षेपण, पुनरालोपन, विक्षेपण, समग्र जागरूकता। जागरूकता गेस्टाल्ट चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जागरूकता गेस्टाल्ट चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस संदर्भ में जागरूकता मुख्य रूप से वर्तमान में इस समय क्या हो रहा है से जुड़ा हुआ है, ना कि पहले क्या हुआ याद किया जा सकता है। अभी क्या चल रहा है ये इम्पोर्टेंट होता है, नहीं कि पहले क्या हुआ था ये इम्पोर्टेंट होता है। अभी के समय में मेन वर्तमान पे ध्यान किया जाता है। जैसे मुख्य विषय और गेस्टाल्ट चिकित्सा का बुनियादी सिद्धांत वहाँ और अभी है, यहाँ और अभी है, वह मतलब यहाँ और अभी है, मतलब मुख्य वर्तमान पर केंद्रित होता है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का लक्ष्य क्या है? गेस्टाल्ट चिकित्सा का एक मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को सेवार्थी और परिपक्व होने की सहायता करता है कि जो आप कर सकते हो वो आप कर सकते हो, आप परिपक्व हो हर काम करने में, एक इंसान सब कुछ कर सकता है। हालांकि परिपक्वता और विकास एकीकरण पर आधारित है, यह फिर से गेस्टाल्ट चिकित्सा के मूल विचार पर जोर देता है जहाँ संपूर्णता को इसके परिणामों, संपूर्णता को इसके भागों के योग से अधिक रूप में देखा जाता है। चिकित्सीय संबंध, गेस्टाल्ट चिकित्सा में चिकित्सक और सेवार्थी के बीच सकारात्मक चिकित्सा संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि उसमें भी बोला गया था, सेवार्थी को समझने और सेवार्थी तक इस समझ को प्रेरित करने में चिकित्सक को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की जरूरत है। गेस्टाल्ट चिकित्सा में आकलन, इस तरह के आकलन में गेस्टाल्ट चिकित्सा द्वारा व्यवस्थित रूप से संबोधित नहीं किया जा सकता। हालांकि गेस्टाल्ट चिकित्सा में चिकित्सक सेवार्थी की भावनाओं, संवेदनाओं, शारीरिक गतिविधियों आदि पर ध्यान देता है। बताना जरा हमें वीडियो में कमेंट करके कि क्या लपा लप बहुत जल्दी बोलने स्टार्ट कर देते, कभी कभी बहक करके, और हमें बहकने से रोका करो। तुम लोग तो रोक नहीं सकते लेकिन कमेंट करोगे तो फिर हम ध्यान रखेंगे। गेस्टाल्ट चिकित्सा में अभ्यास और प्रयोग, जागरूकता बढ़ाना कि हाँ आप बहुत कुछ कर सकते हो, एक इंसान ने क्या नहीं किया और आपने बहुत कुछ उसके पॉजिटिव, उसके सकारात्मक पॉइंट्स पे फोकस करो कि जहाँ जहाँ उसने बहुत कुछ किया, ठीक है। टकराव, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन, स्व प्रकटीकरण, ठीक है, व्याख्या है, मतलब ऐसा दिखाओ गलती सब इंसान से हुई है दुनिया में, फिर वो एलन मस्क हो, जो बाइडन हो, ट्रंप हो, अधूरा व्यवसाय, अधूरे व्यवसाय को अक्सर एक कुर्सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। जिम्मेदारी लेना, हाँ भाई अब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपने हार मानी तो हार गए, या जैसे भी कंडीशन में हो वो आप जिम्मेदार हो। प्रक्षेपण का खेल, उत्क्रमण, इस तकनीक में सेवार्थी से जो भी वो व्यक्त कर रहा है उसकी विपरीत भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है। जरा आप इसका बुरा पहलू देखो, नहीं बन के देखो। अतिशयोक्ति, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में यह एक और तकनीक है जहां सेवार्थी को अपने शरीर की गतिविधियों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए शारीरिक गतिविधियों और इशारों को
अतिरंजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। दोहराव यह अतिशयोक्ति के समान है लेकिन स्वार्थी द्वारा कही गई बातों के संदर्भ में लागू होता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा। अस्तित्ववादी चिकित्सा के संदर्भ में इसे एक ऐसे दृष्टिकोण के रूप में माना जा सकता है जो व्यक्तियों के व्यक्तिगत अर्थ रखने वाला मुद्दों की जांच करने में सहायता करता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा को मनसी चिकित्सा का अभ्यास करने की शैली के रूप में वर्णित नहीं किया गया है बल्कि इसे मनसी चिकित्सा के संबंधित दृष्टिकोण या मनसी चिकित्सा के विषय में सोचने के तरीके के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अस्तित्ववादी सिद्धांत के कुछ मुख्य सिद्धांतों में मैं हूँ जैसे अनुभव सम्मिलित है जिसे होने के अनुभव से दर्शाया जाता है जिसे सत्यता मूलक अनुभव के रूप में जाना जाता है। दुनिया में अस्तित्व के तरीके से मुख्य चार आयाम है, अविनाशी या भौतिक संसार या प्रकृति के साथ होने को दर्शाता है, मिट विल्स या सामाजिक दुनिया या दूसरों के साथ होने को दर्शाता है, आई जेन विल्स इसमें स्वयं की दुनिया या स्वयं के साथ रहना सम्मिलित है, उबर वेल्स या दुनिया भर में या आध्यात्मिक के साथ होने को दर्शाता है। डायनामोनिक अस्तित्ववादी सिद्धांत का एक अन्य विशिष्ट तत्व है जिसे प्राकृतिक कार्य जिसमें संपूर्ण व्यक्ति को हर लेने की शक्ति है के रूप में समझा गया है। डायनामोनिक सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है और इस तरह अस्तित्ववादी चिकित्सा का लक्ष्य इस सामग्री में डायनामिक आग्रह का एकीकरण करना है जो लोगों जैविक और प्राकृतिक है या रचनात्मकता और रचनात्मक व्यवहार को बढ़ाने का उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार अस्तित्ववादी चिकित्सा का मुख्य लक्ष्य सेवार्थी को उनके जीवन के उपहार की खोज में सहायता करना है कि जो आपको गिफ्ट मिला है भगवान का या जो आपका मुख्य टैलेंट है उसको पहचानना। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण में को सम्मिलित करने वाले एक सत्र में आत्म जागरूकता, अलगाव, व्यक्तिगत अर्थ, स्वतंत्रता, क्रोध, जिम्मेदारी और मृत्यु या मृत्यु दर से संबंधित मुद्दों पर चर्चा सम्मिलित है। अकेलेपन और अकेलेपन का सामना करना भी इस दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आप अकेले हो तो क्यों हो, इस कैसा है, रहता है प्रॉब्लम, ये वो है तन बहुत सारी चीज़ें। अस्तित्ववादी चिकित्सा के मुख्य लक्ष्यों में प्रामाणिकता सम्मिलित है, जो रहे वो प्रामाणिक रहे। हमने पहले अस्तित्ववादी के मुख्य चार आयामों को दुनिया भर में होने की अस्तित्व के तरीकों के विषय में चर्चा की। अस्तित्ववादी चिकित्सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे मानवतावादी चिकित्सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें लगती है। कुछ भी आ सकता है, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा पे भी आ सकता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत से भी कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर, ये सब इम्पॉर्टेंट फेस होते हैं। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लेना और एग्जाम इम्पॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना हमेशा से याद रखो। अस्तित्ववादी चिकित्सा, मानवतावादी दृष्टिकोण, गेस्टाल्ट चिकित्सा, व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा, ये दो लास्ट वाला इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और किसी भी तरह की कोई पर्सनल क्वेरी या प्रॉब्लम आपको पूछनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पर मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पढ़ने वालों, जाते जाते टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बाय।